ऐसे ही लगता है ना, ऐसे ही लगता है, और लगेगा तो आप लोग घर छोड़ के भाग जाइएगा। थोड़ा सा सर कैमरा को बंद कीजिए तो। स्टेशन सिवान से आए हैं, आग के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि जीवन में हर समय आग की आवश्यकता पड़ती है। आग के बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। वही आग छोटी छोटी गलतियों से हमारे घर में, हमारे किचन में आग लग जाती है, जिससे भारी क्षति होती है। प्रत्येक वर्ष गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण छोटी छोटी गलती जो हमारे घर में हमारी मम्मी खाना बनाती हैं, और ऐसे तो कोई गलती नहीं करता है, मगर आग लग जाए तो इसको हम कैसे बुझाएंगे अगर हमारे पास कोई भी साधन ना हो तो। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आग के बारे में कि आग क्या है। ध्यान से सुनिए, अगर समझ में नहीं आता है तो बारी बारी से अब सवाल। आग का संयोग बनता है, वह तीन चीज में से एक चीज को वहां से हटा दिया जाए तो खुद ब खुद आग बुझ जाएगा, जो आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। जैसे तीन चीज का होना अति आवश्यक है आग लगने के लिए, उसी तरीका से पूरे विश्व में तीन ही तरीका है आग को बुझाने के लिए। पहला है कूलिंग मेथड, दूसरा है स्मॉल्डरिंग, और तीसरा है स्टारवेशन। यानी कि कूलिंग मतलब पानी से ठंडा करके, स्मॉल्डरिंग मतलब ढक के ऑक्सीजन को कटअप करके, और तीसरा है स्टारवेशन, आग को तितर बितर करके। जैसे कि बिहार फायर सर्विस का जो वैज्ञानिक है आग को चार वर्गों में रखा है, कि इसलिए चार वर्गों में रखा है कि आग को बुझाने में आसानी होता है। सबसे पहले आग का नेचर पता किया जाता है कि आग किस नेचर का है, किस चीज में लगा है, क्योंकि हर आग पानी से नहीं बुझता है। तो पहला है ए क्लास फायर। ए क्लास का जो फायर होता है वो ठोस चीज में, जैसे लकड़ी, कपड़ा, कोयला, झोप का जो फूस का झोपड़ी होता है, जगह कि हवा को कैसे हटाएंगे, क्योंकि आग का जो भोजन है वो हवा है, जहाँ पे हवा है वहीं पे आग है। अगर किसी इंसान का नाक का मुंह बंद कर दिया जाए तो उसका मृत्यु हो जाएगा। उसी तरीका से हवा को जैसे ही रोकेंगे आग का मृत्यु हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो तीसरा नंबर है सी क्लास फायर। सी क्लास का फायर होता है गैस फायर, जो एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव से जो आग लगता है ये सी क्लास का फायर है। ये जो आग है ये भी पानी से नहीं बुझता, इसको भी आप स्मॉल्डरिंग मेथड के द्वारा ही बुझाएंगे। जैसे ही ढकेंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आग खुद ब खुद बुझ जाएगा। सी क्लास का फायर पानी डालिएगा, कभी नहीं बुझेगा और आग वो फैलेगा। चौथा है डी क्लास का फायर, बिजली का शॉर्ट सर्किट। ये जो डी क्लास का फायर है ये भी पानी से नहीं बुझाया जाता है, क्योंकि जैसे ही बिजली के बोर्ड में आग लगा है उस पर पानी डालिएगा, खुद आपको करेंट लग जाएगा, आप घायल हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, डी क्लास का जो फायर होगा अगर हो जाता है तो सूखा मिट्टी या बालू उस पर फेंकिए, आग बुझ जाएगा। तो चार तरह का आग है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ये जो चारों आग है ये मानव की गलती से ये आग लगती है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। आग जो है, सबके घर में बेडशीट है, बेडशीट नहीं होगा, गमछा होगा, तौलिया होगा, या किसी भी टाइप का कपड़ा सूती का भिगोया इसलिए जाता है क्योंकि सूती का जो कपड़ा होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उससे हवा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो आग नहीं बुझेगा। तो ध्यान दो, दिमाग में हमेशा ये रखना है कि हवा को वहां से हटा देना। आग कैसे बुझेगा, इसको निकाल, इसको लगाओ। अपने घर में अपने मम्मी को बोलेंगे जब भी खाना बनाएंगे तो ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना है, और हमेशा कोशिश करना है सूती का ही कोई भी कपड़ा पहने। ठीक है, ध्यान से देखें कैसे बहाना है। Thank you.
कैसे पकड़ना है? ऐसे उसको बुझाया जाए तो बुझ जाएगा, तो नहीं बुझेगा, क्योंकि झूठ के बोरा में छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा छेद होता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन जाता रहेगा तो आग नहीं बुझेगा। उसको भिगोने से क्या होगा, वो हवा को रोक देगा कुछ क्षण के लिए, क्योंकि ध्यान रखेगा। बोलो, क्वेश्चन पूछो। ऐसा ही लगता है ना, ऐसा ही लगता है, और लगेगा तो आप लोग घर छोड़ के भाग जाइएगा। थोड़ा सा सर कैमरा को बंद कीजिए। तो लोग निश्चित तौर पे भाग जाइएगा, दुखिएगा नहीं, क्योंकि डर लगेगा, ब्लास्ट होगा, तो घबराना नहीं है। कभी भी किसी भी टाइप का आग है उसको आप बुझा सकते हैं, थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा लगा दो, एक मिनट, ओके, एक मिनट।